नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में निर्गुण भक्ति धारा की धारा ज्ञानेश्री धारा पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज के अपने इस वीडियो में मैं निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी धारा प्रेम मार्गी धारा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और याद कीजिए। धन्यवाद। आज ऑनलाइन कक्षा संचालन में बीए प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा पेपर एक के अधीन पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी उपधारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा पर विचार किया जाएगा। साथ ही इस धारा की प्रमुख विशेषताओं एवं इस धारा की प्रमुख कवियों पर भी विचार किया जाएगा। अब हम निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा पर विचार करेंगे। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी सामने आए। सूफी यद्यपि इस्लाम धर्म के मतानुयायी थे, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में इनका विशेष स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी आदि सूफी कवियों को तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास की कोटि में रखा है। अब हम सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताओं पर संक्षेप में विचार करेंगे। सूफी या प्रेमाश्रयी काव्यधारा अपनी अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, प्रेम काव्य आदि नामों से जाना जाता है। इस काव्य धारा की मूल चेतना प्रेम रही है। इनके प्रेम भावना श्रृंगारिकता का स्पर्श करते हुए भी उसे लौकिक से अलौकिक बना देती है। इस प्रेम में भी वीरा स्थिति की प्रधानता रही है। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के कवि कहे गए हैं। वीरा वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन, बारहमासा आदि का विशेष वर्णन किया है। पद्मावत में नागमती का वीरा वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सूफी मुसलमान थे, किंतु इन्होंने प्रायः भारत में प्रचलित लोक कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। उनके काव्यों में भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं रही, बल्कि समृद्ध भी हुई है। मानवता के सामान्य भावों को अपने काव्य के द्वारा चरितार्थ किया। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन आवश्यकताओं की जमीन पर उसका प्रतिपादन किया। सूफी द्वारा रचित प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मसनवी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है। ये प्रभाव विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। इनके प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षक में विभाजित किया है। दोहा, चौपाई एवं कुंडलिया इन कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रमुख छंद है। सूफी काव्य में रहस्यवाद को भी देखा जा सकता है। इनका रहस्यवाद भावनात्मक है। हठ योग की अनेक बातों का समावेश सूफी कवियों के रहस्यवाद में मिलता है, जो सिद्धनाथों के प्रभाव से उनके साहित्य में आया है। सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की भी परंपरा चलती रही है। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। सूफी कवियों की भाषा
अवधि है, वे जनमानस के कवि है। अब हम प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम मुल्ला दाऊद, जिनका समय 14वीं शताब्दी था, उन पर विचार करेंगे। मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंदायन से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी है। यह काव्य बहुत लोकप्रिय और सम्मानित था। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित कथा लौरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को भी इस काव्य में पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। मुल्ला दाऊद के पश्चात अब हम प्रेमाशी शाखा के दूसरे कवि कुतुबन पर विचार करेंगे, जिनका समय 15 से 16वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। चौपाई दोहा के क्रम में कुतुबन ने मृगावती की रचना 1503 या 1504 ईस्वी के लगभग की थी। इसमें चंदन नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते हुए सिंह द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। मुल्ला दाऊद एवं कुतुबन के बाद अब हम प्रेमाश्रय काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी पर चर्चा करेंगे, जिनका समय 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। जायसी हिंदी के सूफी काव्य परंपरा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान था। इनकी तीन रचनाएं उपलब्ध होती है, अखरावट, आखिरी कलाम तथा पद्मावत। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की प्रसिद्धि पद्मावत रचना से मिली, जिसकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी के आसपास की थी। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में लिखा गया है तथा इसकी शैली मसनवी है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मनी की प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। हीरामन तोता द्वारा रानी पद्मनी की सौंदर्य व्याख्या सुनकर रतनसेन अपनी विवाहित पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। आगे चलकर अनेक संघर्ष के बाद पद्मनी से उसका विवाह होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाया जाता है। गोरा बादल वीरता पूर्वक रतन सेन को छुड़ा लाते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। इस काव्य में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है, रतन सेन साधक का तथा राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है।
किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है। पद्मावत में नागमती के विरह का वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी के बाद अब हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा के अन्य कवि मंजन पर विचार करेंगे, जिनका समय 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। मंजन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की। यह रचना जायसी कृत पद्मावत के 5 वर्ष के बाद रची गई। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती के चित्रासारी में पहुंचा देती है। वहीं नायक नायिका को देखता है तथा दोनों के बीच प्रेम पनपता है। मंजन ने इस काव्य में प्रेम का उच्च आदर्श रखा है। मंजन के पश्चात अब हम प्रेमाश्रयी कवि उस्मान पर विचार करेंगे, जिनका समय 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। उस्मान कवि की चित्रावली 1613 ईस्वी में लिखी गई। ये जहांगीर के समय के कवि थे तथा गाजीपुर के रहने वाले थे। चित्रावली की कथानक कल्पना आश्रित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरल रूप में हुआ है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरल एवं मनोहारी रूप में किया गया है। प्रेमाश्रयी अन्य कवियों में शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि का नाम लिया जाता है। आज ऑनलाइन कक्षा संचालन के अंतर्गत प्रेमाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवियों पर विचार किया गया। मुझे आशा है कि यह विषय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।